इस्तक़बाल शमसी टी वी में नाज़रीन बंजार हिल जैसा पॉश इलाका मासब टैंक से शुरू होता है। मासब टैंक को इस बात का एजाज़ हासिल था कि बंजार हिल्स पर रहने वाले मालदार लोग वहीं से गुजरते हैं, लेकिन अब लगता है कि वो भी शर्मिंदगी से अपना रास्ता तब्दील कर लेंगे। एक वक्त के चीफ मिनिस्टर जब मासब टैंक से गुजर रहे थे तो वहाँ के इडली दोशे वाले को बंद करवा दिया गया था। जी हाँ, पुलिस ने इडली दोशे को तो बंद करवा दिया था, लेकिन आज के हालात कुछ और है। पॉश तरीन इलाके रहने के बावजूद, वेस्ट जोन पुलिस की मुस्तैदी के बावजूद, कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार की फ्रेंडली पुलिस के ऐलान के बावजूद 24 घंटे मासब टैंक के पान के डब्बे खुले हैं। जी हाँ, अब यहाँ पर सिगरेट भी बिक रही है और कुछ ऐसी चीज़ें भी बिकने की इत्तला है जो कि ममनुआ है, बैन है। लेकिन पुलिस की सर्दमोहरी और पुलिस का आंग बंद करना अब ये सवाल पैदा करता है कि पुलिस बड़ी मुस्तैदी के साथ वेस्ट जोन में, बिलखसूस मासब टैंक मल्लापल्ली इलाके में, दोनों सीआईस बहुत मुस्तैदी से काम करते हुए मेडिकल हॉल्स तो बंद करवा रहे हैं लेकिन पान के डब्बे खुले रख रहे हैं। क्या ये ऐसी बात तो नहीं है कि चीफ मिनिस्टर ने पुलिस स्टेशन को मेंटेनेंस के लिए 80,000 रुपये माहाना दिया करते थे, अब हमारी इत्तला के मुताबिक वो पैसे आना बंद हो गए, तो क्या पान के डब्बे भी 24 घंटे खुले रहेंगे? मेडिकल हॉल बंद करवाना और पान के डब्बे खुले रखवाना, क्या यही फ्रेंडली पुलिस है? ऐसा आवाम सोच रही है। हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि हम आवाम की आवाज़ आप तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर इन पान के डब्बों से ऐसी क्या मोहब्बत हो गई है कि पान के डब्बे 24 घंटे खुले रह रहे हैं। ये तस्वीर रात के 1 बजे के बाद की है। अब आप बताइए कि अब ये पान के डब्बे खुले रखेंगे तो मासूम बच्चे रोडों पर नहीं तो कहाँ नज़र आएंगे? अब कहाँ गया पुलिस का चबूतरा मिशन, जो दावत से वापस होने वाले लोगों को पुलिस स्टेशन ले जाकर खसम खिला रहे थे? अब क्या यह पुलिस को नज़र नहीं आ रहा है, या फिर जो मेंटेनेंस के पैसे बंद हो गए, या फिर वो मेंटेनेंस का मामला यहाँ से चल रहा है? आवाम सवाल कर रही है। अब वेस्ट जोन पुलिस के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि मासब टैंक, जो कि मशहूर होते जा रहा है कि यहाँ पर गांजा तक बिक रहा है।